पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट से टकराने जा रहे दाना तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी दिखना प्रारंभ हो गया है। गुरुवार को राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान दाना के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। 27 अक्टूबर तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। कई जगह हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। वज्रपात की आशंका को देखते हुए इस दौरान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पश्चिम और इसके लगे मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर प्रबल चक्रवाती तूफान दाना गुरुवार से दौरान 12 किमी यानी प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा। 24 अक्टूबर को उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर पश्चिम बंगाल से 310 किलोमीटर दक्षिण में केंद्रित रहा। आज इसके उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को करीब पार करने की संभावना है। इस दौरान हवा की अधिकतम गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है।